आपसे तो मैं बात अभी नहीं कर रहा था, मैं तो अपनी ये बहन को थोड़ा जवाब दे रहा हूँ। yeah. काश आप अभी बताती अपने इसी इब्तदाइया में कि जो बिश्केक में हुआ कि नरेंद्र मोदी एक चूजे की तरह कोने में खड़ा है, उसको इग्नोर किया गया, पाकिस्तान की लाइन में कुछ मसला पैदा हो गया है। अभी जो नहीं, अभी तो मसला होगा ना, जब मैं बात करूंगा तो मसला तो अब होगा। नहीं नहीं ठीक, आवाज आ रही है, बोले आप। नहीं अच्छा, आप आ रही है, उनको नहीं आ रही ना आवाज, हमें देखे आवाज। नहीं नहीं मुझे भी आ रही। इसको बैलेंस रखती कि जिस तरह वहां पे व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हुई, नरेंद्र मोदी बिल्कुल इग्नोर हुआ, उसको उन्होंने जीरो लिफ्ट कराई, और वहां पे अभी जो रशिया इंशाल्लाह इमरान खान साहब का दौरा होगा, ये बहुत बड़ी एक ब्रेक थ्रू है। यहाँ पे इस वक्त जो इमरान खान साहब ने जब हम हुकूमत में आए, एक बहुत बड़ी सिफारती जीत थी, ये लोग दबाते हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों को, पाकिस्तानी हुक्मरान इस तरह से चिट लेके बैठे होते सामने। जैसे ही वहां से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात की, यहां से इमरान खान साहब के जवाब के बाद उसको जो है वो क्या कहते हैं, उसके होश ठिकाने आ गए। न्यू के यहाँ पे अब कोई गुलामाना जहन के लोग हुकूमत में नहीं है। काश आप बताती ओआईसी पे पाकिस्तानी वजीर आजम की स्पीच, जो दुनिया के सामने उन्होंने अपना इस्लाम का और अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का केस लड़ा, काश आप बताती वो जीत, और काश आप ये बताती पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक वजीर आजम ऐसा आया जिसने तौहीन आमेज खाकों पे दुनिया को बताया कि सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान नहीं, दुनिया के मुसलमानों के लिए हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी अहमियत रखते हैं, और उस पे उन्होंने वो खाके वापस लिए। किसी में हिम्मत थी पहले बात करते हुए, इस्लाम की बात करते हुए? हमारे साबिक वज़ीरे आज़म तो उनके तो पैर कांपते थे। और काश आप बताती कि जो हमने सिफारती सतह पे नॉकआउट किया, जब अभी नंदन को इमरान खान साहब ने तुर्क का पता खेलते हुए उनके मुंह पे मार के वापस किया, काश हम बैलेंस रिपोर्टिंग कर पाएं।